सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, तुम सभी का स्वागत है ड्रॉड गेम में। तो आज हम खेले जा रहे हैं माइनक्राफ्ट पीई, हमारा एपिसोड 28। और इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हो कंपास, मैप, रॉकेट और क्लॉक। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ठीक है गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पिछले एपिसोड आई थिंक, मेरे को याद नहीं, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ बड़ा और बहुत ही अच्छा बिल्ड बना रहा हूँ। तो यह मैं ऊपर से तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी मैं जा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा बनाने को, और उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, इसमें बहुत कम आते हैं यार, बहुत कम मॉब्स आते हैं और वो मर भी जाते हैं। मतलब कभी कभी आ जाते हैं ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर बहुत कम ही आते हैं मॉब। और इसके पीछे मतलब आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। मैं आपको लूट दिखाता हूँ, आप देख के हक्का बक्का हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। अंदर जा। और ये स्लैब यहाँ कैसे है, एक सेकंड, ये हटे। तो देख सकते हो भाई, फर्स्ट चेस्ट खाली है, सेकंड चेस्ट का लूट ये है ना, और फिर मैं आपको थर्ड चेस्ट का दिखाता हूँ, फुल ऑफ लूट्स यार, फुल ऑफ। और मैं एरो समय से 64 होने के बाद ले जाता हूँ, लेकिन अभी बाद में लूँगा मैं। और भाई बहुत कुछ है यार इसमें लेने को, लेकिन अभी मैं आपको ये नहीं दिखा रहा, मेरा मेन मकसद ये नहीं है। अभी मेरे को एक और चीज़ दिखानी है आपको, तो जल्दी से मैं अपने बेस पे जाता हूँ। तो ठीक है गाइस, जो मेरे को दिखाना था वो ये है। पिगी थैंक यू फॉर गोइंग आउटसाइड। ये है मेरा घोड़ा, मतलब नहीं घोड़ा नहीं, ये तो है रफ्तार, जो कि काफ़ी तेज़ घोड़ा है। और मेरे बादल को तुम लोग घेर कैसे लिए हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बादल को घेरने की। तो ये मेरे बादल, मैं यहाँ इसकी स्टोरी बता चुका हूँ। और ये है स्केलेटन हॉर्स, मेरे को दो मिले थे, मतलब मिला तो एक ही था, लेकिन उसके ऊपर बिजली गिरी और उसके बाद चार हो गए, फिर उनके ऊपर स्केलेटन्स आ गए, स्केलेटन्स को मारते मारते दो और मर गए। तो इसी तरह, और वो घोड़ा वहाँ नाच क्यों रहा है, घोड़े सत्या जो घोड़े का मरने का मूड नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ इसमें गन पाउडर है ना, मेरे को चाहिए थोड़े से गन, एक पेपर था ना उसमें, मेरे को चाहिए गन पाउडर एंड पेपर। पेपर मेरे को मिल चुका है, अब मेरे को चाहिए गन पाउडर। गन पाउडर आई थिंक मेरे लूट बॉक्स में होगा, मॉब ड्रॉप का। भाई लैग क्यों हो रहा है यार, ये नहीं, ये तो मेरा आर्मरी है, इसके नीचे ये रहा। ओके, ज़्यादा गन पाउडर नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं कलेक्ट ही नहीं करता मैं ज़्यादातर, तो कोई नहीं कोई नहीं। और हाँ, मेरे को ये भी आया हूँ तो ले जाता हूँ, आई नीड सम रेडस्टोन, 8 ठीक रहेंगे। ओके, 8 रेडस्टोन और आयरन तो मेरे पास सही। सो मैं नीचे जाता हूँ और वेयर्स माय क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल में मैं सबसे पहले बनाऊँगा रॉकेट। तो देखो यार, रॉकेट की रेसिपी कुछ ऐसे है, पेपर और गन पाउडर। तो ये हो गया लेवल 1 का। अगर आपने दो गन पाउडर और दो पेपर, नहीं हाँ, एक पेपर और दो गन पाउडर ऐसे रखोगे ना, ये लेवल 2 का बनेगा। अगर मैं यहाँ पर 3 गन पाउडर रख दूँ ना, तो ये लेवल 3 का बनेगा, और लेवल 4 का नहीं होता, सिर्फ लेवल 3 तक होता है। तो ये देखो, फ्लाइट ड्यूरेशन लेवल 3, और ये हो गया लेवल 1 का। ये तो ये लेवल 1 का है और वो लेवल 3 का। फिर से पेपर वापस रख दो, और मैं आपको दिखाता हूँ कि रॉकेट क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मेरे को रात चाहिए। तो लेट्स वेट फॉर नाइट। तो ठीक है गाइस रात हो चुकी है, और ये कलर वाले नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे नॉर्मल ऐसे ऊपर जाके बस, और ये ना ज़्यादा ऊपर तक और ज़्यादा दूर तक जाएंगे। और अगर मैं आपको कलर वाले दिखाऊँ, पहले इनको फेंक दो। अच्छा नहीं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी आई थिंक सो, जब हम पेपर डालते तभी आई थिंक सो हम कलर डाल देते हैं। मेरे को याद नहीं आ रहा, एक बार देख लेता हूँ मैं। मेरे को डाई चाहिए, वेयर्स माय डाई, ऊपर वाली चेस्ट में। डाई तो मेरे पास नहीं है, अगर होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। तो जब भी मेरे पास डाई आएगी, मैं आपको अगले एपिसोड में दिखा दूँगा। और जो नेक्स्ट थिंग है वो है हमारा कंपास जो भी बोल लो। फिर और मेरे को पेपर और चाहिए, फर्स्ट मैं पेपर ले गया, आई नीड सम पेपर पॉट्स।
तो अब मैं आपको कंपास का रेसिपी बता दूँ। कंपास का रेसिपी होता है कुछ ये वाला, और एक सेकेंड मात्र एक ना डिश चाहिए रहता है क्या। ओके तो मैं यहाँ पर दो कंपास बना रहा हूँ, और बाकी तो रख देता हूँ मैं इसी के अंदर, रख दो यार बाकी अब कहाँ जाऊँगा मैं। और ये पेपर मैं क्यों लाया और दो कंपास मैं क्यों बनाए मैं आपको वो भी बताऊँगा। जैसे आप कंपास खोलते हो तो इसमें देख सकते हो एक एरो दिखा रहे हैं, तो ये एरो आपको कहाँ को दिखाता है ये देखो, ये अभी करेक्ट सीधा है, और मैं करेक्ट इसी डायरेक्शन पे चलते जाऊँ कुछ ना देखूँ तो मैं करेक्ट अपने स्पॉन पे पहुँच जाऊँगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसके लिए सहारा लूँगा ड्रॉइड रेलवे सिस्टम का, मैं अपने रेलवे सिस्टम का सहारा लूँगा। और देख ही सकते हो मैं इसको इम्प्रूव कर दिया है, इसके अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, यहाँ पर 6 रखा जाता है। मैं बैठ के जाता हूँ ना, ओके अब देख ही सकते हो करेक्ट सीधा दिखा रहा है। अब ये जैसे टेढ़ा हुआ तो ये टेढ़ा दिखा रहा है, अब ये करेक्ट सीधा दिखा रहा है, मुड़ जाओ तो टेढ़ा दिखाते हैं, तो अब ये करेक्ट सीधा है। मतलब अगर मैं इसी वे पे सीधा सीधा जाते रहूं तो मैं अपने स्पॉन पहुंच जाऊंगा, क्योंकि कंपास हमसे स्पॉन को दिखाता है। वह मॉब्स देख रहे हो यहाँ पर, मेरे को यहाँ फेंस लगानी पड़ेगी। और यहाँ पर देख सकते हो अगर मैं अभी स्टेशन की तरफ मुँह कर दूँ तो ये कुछ अलग ही मतलब डायरेक्शन हो जाएगा। ये क्या गोलूम, और मैंने यहाँ पर ट्रैपडोर कब लगाया मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है कोई भी, अभी मैं आपको जाता सीधा लेके जाता हूँ आपको मेरे स्पॉन पे दिखाने के लिए। देख ही सकते हो एकदम सीधा सीधा दिखा रहे हैं, और मैं एकदम सीधा सीधा ही जा रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, मैं आ चुका अपने घर पे, और थोड़े शुगर केन्स भी मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि इससे ही मैं बनाऊँगा थोड़े से पेपर पहले पर, थोड़े से पेपर बन जाए क्योंकि बहुत बन गए यार। अब मैं बताता हूँ मैप के बारे में, तो मैप दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट एम्प्टी मैप, सेकंड लोकेटर, एम्प्टी लोकेटर मैप मतलब वो बाद में लोकेटर बन जाएगा। तो मैं दोनों आपको बना कर दिखा दूँ, फर्स्ट एम्प्टी मैप के लिए आपको पूरा पेपर भर देना है, सेकंड में आपको बीच में एक कंपास रख देना है। अब मैं अब बाहर जाता हूँ, और मैं जाता हूँ यहाँ पर, और मैं दबाता हूँ क्रिएट मैप के बटन पर। तो आप देख ही सकते हो मेरे घर का यहाँ पर पूरा मैप बन चुका है। मैं कहाँ हूँ यहाँ पर, अच्छा ठीक है। तो ये है हमारा बड़ा सा घर, और ये हमारा पोशन फार्म हुआ, ये हमारा स्कूट फार्म हुआ, और ये आइस है। मैं आपको बताता हूँ ये आइस कहाँ से आया, ये आइस मैंने डाला और क्यों डाला, वैसे जम रहे थे तो मैंने उसे एक स्क्वायर सेप में डाल दिया। वैसे क्यों, क्योंकि उसे ना बहुत सारे एनिमल्स जो आइस बायोम के होते हैं वो आ रहे हैं रात में, यहाँ पर स्ट्रे आते हैं, कभी कभी यहाँ पोलर बियर्स भी आ जाते हैं, तो उसी लिए। और इस बार मैंने इस टाइप मूव किया था ना, अब मैं इस साइड मूव करता हूँ, फिर देखते हैं मैं इसमें खड़ा हो जाता हूँ। ओके एंड देन क्रिएट मैप, तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा घर है, और यहाँ पर हम भी दिखा रहे हैं इसमें मतलब हम कहाँ खड़े हैं, और ये हमारा रास्ता है, देखो हम रास्ते में जा रहे हैं, और ये हमारे घोड़े का वो मतलब हमारा जानवरों का जगह, और ये लाइट को भी दिखा रहे हैं यार सही है। और यहाँ पर ये मुड़ जाएगा ऐसे, तो आप ऐसे बना सकते हो। और इसके बारे में एक और चीज़ बताता हूँ मैप के बारे में, फर्स्ट आई नीड टू गो टू माई होम, होम मेरे को मतलब घर को मेरे को जाना है, जल्दी से भगवा पे चलता हूँ। मैप के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ, फिर मैं आपको क्लॉक के बारे में बताऊँगा। वेरी 114 आइटम, ओके मेरे को चाहिए कार्टोग्राफी टेबल एंड प्लेस इट। और अगर आप जैसे इसको खोलते हो ना, तो मैं मैप कौन सा था मेरे मैप में भूल गया, मैप नाइन कौन सा है, ओके मैप नाइन ये वाला है, मैप टेन वो वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैप नाइन इधर 0/4, तो अगर मैं इसमें डालूँ तो ये देख सकते हो 1/4 हो चुका है, अगर फिर से डालूँ तो ये देख सकते हो 2/4 हो चुका है। और इसमें अगर हमको 9 पेपर लगे थे ना, यहाँ पर एक ही पेपर में हमारा मैप बन गया। तो ये होता है कार्टोग्राफी टेबल का फ़ायदा, आप वैसे इसको भी बड़ा कर सकते हो। एक मिनट ऐसे काम करता है क्या, ओ कॉपी हो जाएगा मैप, सही है, ऐसे क्यों सकते हो मेरे को नहीं मालूम था। ओए मैं पेपर का है, मैप का है बना रहा हूँ, कहाँ क्या लोकेटर में इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ मैं। ओके अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है मैप नाइन, ये देखो कितना छोटा सा हो गया, और देखो मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ ऐसे एक्सपेंड होते जा रहे, ये भी ये देखो मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ ये से एक्सपेंड होते जाएगा, मतलब ये खुलते जाएगा मैप जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ।
मैं जहाँ भी, लेकिन इसको मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर छोटा, मतलब बड़ा छोटा वही है, मेरे को लेवल 1 का रखना था। तो कोई नहीं गाइस, अब मैं सीधे जाता हूँ क्लॉक को दिखाने। मैप वैप का काम हमारा ख़त्म हो चुका है, तो मैं जल्दी से ये सब सामान रख के रेडी होकर आता हूँ। तो ठीक है गाइस, मैं फिर से वापस आ चुका हूँ और मेरे पास इस बार सामान भी है। तो देख सकते हो यार, क्लॉक का रेसिपी कुछ ऐसा है। मैं बताता हूँ आपको, माता से 4 गोल्ड रखना है और बीच में एक रेड स्टोन, तो आपका निकल के आ जाएगा क्लॉक। और इसमें आप देख सकते हो अभी टाइम बता रहा है। अगर आपको इसको अच्छे से देखना है तो आपके आपको चाहिए रहेगा आइटम फ्रेम। आइटम फ्रेम के बारे में आपको बता देता हूँ। आइटम फ्रेम के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा लेदर, आई थिंक मोर लेदर, नहीं एक ही लेदर चाहिए, स्टिक्स चाहिए। और जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, मैं एक बार नीचे जाके देखता हूँ क्राफ्टिंग टेबल पे कि आइटम फ्रेम के लिए क्या क्या लगता है। आइटम फ्रेम हाँ स्टिक चाहिए थोड़े से, एंड देन तो मेरे पास वुड है, मेरे पास वुड है, और देखता हूँ कितने बन जाएगा। ओके बन जाएगा। तो ये है आइटम फ्रेम। आइटम फ्रेम मैं यहाँ लगा देता हूँ, नहीं बगल में लगा दूँगा, इधर नहीं, इसको तोड़ो और यहाँ लगा दो। और एक क्लॉक तो देख सकते हो जो बीच में आपको दिख रहा है पीला पीला, ये है हमारा सन। और ये धीरे धीरे जाके इस तरफ या फिर उस तरफ मूव करता है, इससे हमको टाइम के बारे में मालूम पड़ता है। हालांकि इस चीज़ का कुछ ज़्यादा यूज़ है नहीं, मतलब क्लॉक का ज़्यादा यूज़ है नहीं इस गेम में। और ठीक है, तो आज के एपिसोड के इतने गए। थैंक्स वॉचिंग गाइस दिस एपिसोड, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। और सॉरी माय फॉल्ट, ये बीच का आपका सन नहीं है, ये बीच के ऊपर जो येलो येलो दिख रहा है ना, वो आपका सन है। सो थैंक्स वॉचिंग गाइस दिस एपिसोड, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और डीजे आर्मी में मेंबर बन जाओ।